अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ऐसे नहीं देख सकती, क्या करे हम? क्या करे? सुनैना, हमको लगता है इस सच्चाई जानने के बाद ना नमन अपने आपे में नहीं है बिटिया। वो सच्चाई को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है। इस वक्त तुम्हारा सबसे दूर चला जाना ही हल है। हम आते हैं बिटिया, चिंता मत कर, हम ही आते हैं। राजकुमारी जी, हमारी बात सुनने और समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बात सुनने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है अभी। हम पूछ पूछ के थक गए हैं कि कहाँ चल रहा है, कहाँ चल रहा है। खैर, फिलहाल आप सुनैना को घर ले जाइए, वो ही ठीक होगा। जी। सुनैना कहीं नहीं जाएगी। लेकिन नमन बेटा, सुन, सुनैना का पति हूं, मुझे डिसाइड करने का पूरा हक है कि वो कहां जाएगी कहां नहीं जाएगी। मैंने कहा कहीं नहीं जाएगी वो। मुझे सही फैसला लिए है, कुछ दिन के लिए जाने दो इको मायके। हाँ नमन बेटा, वैसे भी एकदम बोला गए हो तुम आजकल। अब हमारा मतलब है कि आजकल बहुत परेशान रहते हो तुम ना, थोड़े दिन बहू को अपने घर जाने दो और फिर दोनों भी शांत दिमाग से सोचो कि क्या गलत हो रहा है। हाँ भैया, जाने दीजिए ना भाभी को। ये हम दोनों के बीच की बात, किसी को फैसला लेने का कोई हक नहीं है। मैं इसका पति हूँ, मैं डिसाइड करूँगा, ये कहीं नहीं जाएगी। आपको इतनी तकलीफ देते हैं तो क्यों नहीं जाने दे रहे हैं हमें माँ के साथ वापस? क्या ढूंढ रहे हो अपने मन से?
बोला था ना मैंने कि तुम उससे दूर नहीं जाओगी, उसके बाद भी तुमने फोन करके अपनी माँ को यहाँ बुलाया, जो तोड़ दिया मैंने सबके साथ तुम्हारा कनेक्शन। एक बात याद रखना कि तुम मेरी कैद में हो और अब तुम्हारे भगवान जी भी मुझसे रिहाई नहीं दिला सकते। कहा बात है पर आप चिंता मत कीजिए, हम बउआ से बात करेंगे और हम सुनैना से बात हो गई, वो कहीं नहीं जाएगी। पहली बार हम अपने बउआ को इतना बेचैन देखे हैं। मैं बचाऊंगा सुनैना को, लेकिन आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि इसके बाद मुझसे किसी भी तरह की कोई उम्मीद मत रखिएगा। बोलेंगी आप कुछ? बोलेंगी? पता नहीं, हमको तो ऐसा लगता है कि सबके पीछे कोनो कारण है जो आप लोग हमसे छिपा रहे हैं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है राजकुमारी जी। देखिए, हम बाबू साहब से पहले ही कह चुके हैं और आपके सामने फिर से दोहरा रहे हैं, कोई बात ऐसी निकली जिसकी वजह से हमरा बउआ दुखी है और हमारे घर में उत्पात हो रहा है, तो ये बात समझ लीजिए कि हम राजकुमारी सिंह आपके घर की सुख शांति को भी भंग कर देंगे। कैसे की बात जो है ना, अब हमसे बउआ पर आ गई है। हम जरा सुनैना से मिलकर आ जाएं। रमन जी को क्या हो गया? अब मैं समझ जी को जानते ना इन्हें समझ पा रहे हैं, वो क्या करे, क्या करे हम? बेटिया, तकलीफ तो रमन को बहुत हो रही है, हम समझ सकते हैं, पर तू भी तो इतना झेल रही है। माता रानी हमारी बिटिया के साथ ऐसा काम कर रही है। नहीं माँ, इस वक्त सुनैना को सिर्फ और सिर्फ अपने नमन जी की फिक्र है। प्लीज प्लीज कोई ऐसा तरीका बताइएगा जिससे नमन जी पहले जैसे हो जाए। तेरा सच जानने के बाद पहले जैसा नहीं हो सकता। बस सुनैना बिटिया, सुन हमारी बात, एक बात का ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, इस परिवार में किसी को तेरी सच्चाई के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना राजकुमारी जी हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेंगे।
बोला जी हम पूरा मुंडी घुसा के सुनने का कोशिश की, लेकिन दोनों माँ बेटी इतना खुश घुसा के बतिया रहे थे ना कि हमको ढेला भर भी समझ नहीं आया। इनका कौनो कमजोर नब्ज है जो हमारे पकड़ में नहीं आ रहा है मेघना, एक बार वो पकड़ में आ गया ना ये समझ लो वो नरेश सिंह का नरेटिव पढ़ के ना हम पूरे मुंगेर में मुंह काला करके घुमाएंगे, सबके मुंह पर ताला लगा है ना तो चाबी तो हमको ही ढूंढना होगा। है वो राज जो उस गुमराम नंबर से हमको मैसेज में आया था, पता लगाना होगा मुझे जी। अच्छा राजकुमारी जी तो अब हम चलते हैं। राजकुमारी जी हमारी बिटिया का ख्याल रखिएगा। मुझे आपको बोलने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए था, पर अगर जरूरत पड़ रहा है इसका मतलब ये है कि आपकी बिटिया का ख्याल रखने में कोई कसर रह गया है हमारी तरफ से। तभी तो आपकी बिटिया हमारी शिकायत कर रही थी आपसे है? नहीं 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 बिल्कुल नहीं, शिकायत नहीं। अरे वो तो जब भी आप लोगों के बारे में बात करती है तो बहुत ही अच्छा बोलती है। अच्छा राजकुमारी जी बेटी की माँ है ना, चिंता तो लगी ही रहती है। माँ तो हम भी हैं कुमुद जी, और ये भी बिटिया वालों का ही घर है। चलिए ठीक है, अब ही समझ लीजिए कि आपकी बिटिया हमारी बिटिया, हम ख्याल रखेंगे, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है चलते हैं फिर। ध्यान रखना। चलिए कैसर मना कर दिया उदामन, और आप मान भी गई। अरे जबरदस्ती लेके काहे नहीं आई सुनैना को? कैसे जबरदस्ती करती बाबू साहेब, कैसे करती? अब सुनैना सिर्फ हमारी बिटिया नहीं, उस घर की बहू भी है, अमन की पत्नी है। हमसे ज्यादा हक है उन लोगों का उस पर, इसलिए वो उसको एक पैर पर खड़ा करे ये मायके आने से रोके, हमारा कोई अधिकार नहीं है। अपने अधिकार का गलत फायदा उठा रहा है वो नमन, और सुनैना को सता रहा, उसके साथ अत्याचार कर रहा, बदसलूकी कर रहा, उसको यहाँ आने नहीं दे रहा। हमको समझे में नहीं आ रहा है ये लौंडा करना का चाहता है। हम भी समझ नहीं पा रहे हैं कि नमन इस काहे कर रहा है, का चाहता का है वो चाहता है। अपनी डॉक्यूमेंट्री और सीरियल से बाहर निकलो और घर में देखो, देखो कि तुम्हारा इकलौता भाई जब से हनीमून से आया ना नॉर्मल नहीं लग रहा है, लग रहा है तुमको? बात तो आप सही कह रही है बड़ी माँ, जब से भैया वापस आए बड़े मुरझाए मुरझाए लगते हैं। अच्छा एक बात पे गौर की हो तुम, जो नमन सुनैना से इतने प्यार से पेश आता था अब उखड़ा उखड़ा रहता है, और सुनैना से दूर रहने के लिए वो घर भी देर से आता है। हमको तो इस बात का शक है कि दोनों में संबंध बना है या नहीं, कोई रिश्ता है या नहीं। बड़ी मम्मी बना तो है, शादी का रिश्ता। अरे हम सबके सामने ही तो शादी हुई थी ना उनकी, देखो शादी की उम्र हो गई है लेकिन अभी तक बुड़बक है।
शादी सिर्फ फेरे लेने से ना ही होती है, घोड़े जैसी बड़ी हो गई है लेकिन अकल ढेले भर की नहीं है। अरे तो इससे ना ही हो पाएगा। देखो तुम सुनैना की हम उम्र हो, तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील करेगी। तुम उससे बात करो और पता लगाओ कि हमरे बउआ की बेचैनी और मायूसी का कारण क्या है। बुझी? जी बड़ी माँ। इसको कोनो भूत ऊत तो नहीं पकड़ लिया हनीमून पे? आखिर कौन सा सदमा लगा है? ये ऐसे नहीं बताएगा, उगलवाना पड़ेगा। नमन, कहा है ना कि अब तुम में वो वाली बात नहीं रही यार। कहा था ना कि पहले तुम 400 सपाट मारता था, पर अब 50 सपाट में हाथ कांपने लगता है तुम्हारा। क्या मतलब, तबीयत तबीयत सब ठीक है तुम्हारा? हाँ, परफेक्ट है सर। तो फिर तुमको कोई धमकियों की तो नहीं दिया है? परदेश का जो गुंडा लोग था उसको तो ठिकाने लगा दिए थे। कोई मुंगेर का नया आदमी तो नहीं तुमको अंदर अंदर धमका रहा है? या फिर नरेशवा फिर से तुमको कुछ बोल रहा है? अब बोल रहा है तो बताओ चले। गुड्डू, किसी में इतना गोदा नहीं है गुड्डू जो नमन सिंह को परेशान कर सके। फिर चाहे वो नरेश सिंह क्यों ना हो, ना मैं किसी को धौंस दिखाता हूं और ना ही मैं किसी की धौंस देखता हूं। तुमने बस अभी एक आंख दिखाई, मेरी दहाड़ अभी बाकी है। मैंने तो बस अभी एक कंकड़ फेंका है, पूरा पहाड़ अभी बाकी है। अच्छा नमन, भाभी के साथ तो सब कुछ ठीक ठाक है ना? नहीं, कहा है ना कि तुम हनीमून से जब से वापस आए हो तो अलग स्टाइल में थोड़ा बौराए बौराए से लग रहे हो। बोला ना तुझसे ठीक है सब, समझ भी नहीं आता तुझे। अगर सब कुछ ठीक है तो परवेशवा तुमको टक उड़ाने के लिए भेजा कहे था ट्रक? अरे यार नमन, तुम कुछ बोलो चाहे ना बोलो, लेकिन तुम्हारा शकल पढ़ के हम ये चीज बता सकते हैं कि तुम तकलीफ में हो या नहीं। मेरी सुनैना क्या है? सुनैना ना ही मर्द और ना ही औरत, वो एक किन्नर है। किन्नर बचपन गुजारे हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे दोस्त हैं। अरे दोस्त है ना, दोस्त है तो दोस्त के तरह रहे। जासूस बनने की कोशिश मत करा, तुझसे बोला ना मैंने एक बार कि सब ठीक है, मतलब सब ठीक है? क्या बार बार आके खोद खोद के पूछता है? गुड्डू, क्या हुआ, नाराज क्या लग रहा है? नाराज नहीं आंटी जी, हमारा दिल टूटा है। नमन हमारा बचपन का दोस्त है, आज जब नमन के ऊपर इतनी तकलीफ आई है, उसका अंदर से दिल टूटा तो हमसे अपनी तकलीफ बताने के बजाय कोई दुख कर रहा है। लो जी जी, अब तो नमन अपने बीएफएफ के साथ भी बैर लेने लगा है। हो कहा गया है इसको? क्या पढ़ रहे हो भाभी? अरे आइए ना अंदर बैठिए। बैठी ना,
वो क्या है ना, जब से आपकी शादी हुई है हमने साथ बैठकर बातें तक नहीं की है, तो हमने सोचा क्यों ना साथ में मिलकर थोड़ी गप्पे शप्पे लड़ाई जाए। ये लीजिए। नहीं नहीं, आप दोनों ने ना बहुत अच्छा किया। वैसे भी सुनैना किताबें पढ़ पढ़ के किताबी कीड़ा बन गई थी एकदम। सॉरी, हमारी ऐसे ही बात करने की आदत। कोई बात नहीं, हमारा इंटरेस्ट तो किसी और बात में ही है। भाभी, अपने हनीमून के बारे में बताइए ना, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या खाया, कितनी अच्छी जगह होगी ना वो। बहुत सुंदर थी, एकदम जन्नत जैसी। आईना रूप नहीं हकीकत भी दिखाए। दंगल प्ले ऐप पर।